different for classes. Today's topic is square and square. First of all, हम जानेंगे कि स्क्वायर क्या होता है. जैसे हमने ज्योमेट्री में देखा है और पढ़ा भी है, दैट इज स्क्वायर. ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर. बट यहाँ पे जो स्क्वायर निकालना है इससे थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे अलजेब्रिक स्क्वायर निकालना है. जैसे मान लीजिए किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, जैसे 4 का स्क्वायर, तो उसको क्या, उसका क्या होगा? 4 × 4 = 16, यानी 4 का स्क्वायर 16. ये 4 पे ही अप्लाइड नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे डिजिट है जिसका स्क्वायर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. लेकिन इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में कुछ नंबर के स्क्वायर को हम राइट डाउन करते हैं, तो इससे हमारा हेल्प मिलेगा कहाँ पे, हमारी कैलकुलेशन में. और स्क्वायर रूट का वैल्यू यदि निकालते हैं तो वहां पर भी इसमें हमारा हेल्प मिलता है. जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 65 5 का स्क्वायर 35 और 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100. देखिए यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसके यूनिट प्लेस के बारे में हमको जानना है. यदि किसी भी नंबर का स्क्वायर कराते हैं तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, यह हमारे स्क्वायर रूट निकालने में हमको हेल्प करेगा. ठीक है, तो जैसे 24 लेते हैं, तो 24 का स्क्वायर निकालते हैं तो देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा. तो पहले हम 4 देखते हैं, तो 4 का स्क्वायर करा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 16, और इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6. तो क्या 24 का भी स्क्वायर कराएंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा. तो 24 को हम जज कर लेते हैं, ठीक. तो यहां 56 जो मिला, 576, तो इसके यूनिट प्लेस पे भी 6 है. तो हम इच बाई इच करके सीख लेते हैं. यदि किसी भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नंबर चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, जैसे 2 4 6 8 9, इस यूनिट प्लेस पे क्या है, 9. तो क्या ये पूरी संख्या का यदि स्क्वायर कराते हैं, पूरे नंबर का स्क्वायर कराते हैं, तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा कि नहीं, तो आएगा. यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या है, 81, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 1. तो इसी तरह यहाँ पे 2 4 6 8 9 का यदि स्क्वायर कराते हैं तो इसके यूनिट प्लेस पर भी 1 आएगा. हम क्या करेंगे इसके लिए, इस पूरे नंबर को स्क्वायर नहीं कराएंगे, इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे. यूनिट प्लेस पे क्या हमारा, 9. 9 का स्क्वायर क्या हुआ, 81. इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 1. तो इस पूरे नंबर का भी स्क्वायर कराएंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा. ठीक है, तो इसमें कुछ नोट है. नोट नंबर 1 कि The square of even number is even. मतलब कहने का मतलब कि यदि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर कराते हैं तो उसका रिजल्ट वैल्यू भी इवन नंबर ही आएगा. जैसे 6 का स्क्वायर कराते हैं तो क्या आ रहा है, 36. तो 6 भी हमारा इवन नंबर है और इसका स्क्वायर वैल्यू भी 36, ऑल्सो इवन नंबर. ठीक है, दूसरा नोट बोल रहा है दी स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड. ठीक, यानी ऑड नंबर का भी स्क्वायर कराते हैं तो हमारा ऑड ही नंबर मिलता है. जैसे 3 का स्क्वायर कराएंगे क्या आएगा, 9.
थ्री इज द ऑड नंबर, नाइन इज ऑल्सो ऑड नंबर। ठीक इसी तरह से एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना ऐड किए यदि कंटिन्यूअसली कोई ऑड नेचुरल नंबर है तो बिना ऐड किए हुए उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। जैसे सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर नंबर इज एन स्क्वायर, कहने का मतलब कि सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन, यदि इसको यदि क्वेश्चन आपसे राइट किया जाए कि वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन, बिना एडिंग किए हुए इसका वैल्यू बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इन का वैल्यू निकालना होगा। तो एन काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो एन का वैल्यू कितना है सेवन, तो एन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन। तो इसका टोटल सम वैल्यू फोर्टी नाइन। ये कब अप्लाइड होगा, जब रेगुलर ऑड नेचुरल नंबर होगा, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालना होगा तब एन का वैल्यू एन स्क्वायर के बराबर होगा। मॉर्निंग स्टूडेंट, और नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले हम जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। यदि किसी भी नंबर, यदि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर, तभी कहा जाएगा कि वह नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे 16, तो 16 जो है हमारा किसका स्क्वायर नंबर है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अब हम जानेंगे कि कौन ऐसी संख्या है, यदि कोई नंबर बड़े रूप में दे दिया जाए और उसको पता लगाना है आपको कि यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नोट में ये नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 or 8 is not a perfect number। करेक्ट, यदि कोई संख्या 2, 3, 7 or 8 से एंड कर रहा हो वह कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3, 7, 2, 3, इस नंबर का एंडिंग किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो दिस नंबर इज नेवर बिकम ए परफेक्ट नंबर। ठीक, ए नंबर एंडिंग इन एंड ऑड नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 0 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। कह रहा है कि एक नंबर जो ऑड नंबर 0 के साथ एंडिंग हो रहा हो तो वो भी नंबर कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं हो। जैसे 1000, तो 1000 इसका एंडिंग कितने 0 से हो रहा है, 3 0 से, तो 3 इज द बिलोंग्स टू ऑड नंबर, तो यह नंबर कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, फाइंडिंग स्क्वायर। देखिए फाइंडिंग स्क्वायर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो इसके लिए बहुत सारे रूल है, लेकिन कुछ बेसिक रूल को देखने के लिए हमको ये याद करना पड़ेगा, कम से कम 29 तक एवरी स्टूडेंट को स्क्वायर वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए 24 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो 24 का स्क्वायर निकालना है, टू डिजिट का स्क्वायर, यानी टू डिजिट का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं 24 × 24 कर लेंगे, ऐसे भी निकल जाएगा, लेकिन यह हमारे टाइम को बहुत ज्यादा लेगा, ठीक है। इसको फॉर्मूला बेस पर भी राइज करके बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमको मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अरेंज करते हैं इस फॉर्मूला में 20 + 4, 20 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 4, इसको जोड़ते हैं 576 आएगा, 24 का स्क्वायर 576, इसमें भी हमारा ज्यादा टाइम लग रहा है। यदि आप थॉट को बढ़ाते हैं, अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ाते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे और आप इसको इजी वे में कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ बता रहे हैं स्पेशल रूल, जिस पर कॉस्ट ऑफ एग्जाम्पल दे रहे हैं 24 का ही निकालना होगा, तो हमको क्या करेंगे, इजी मेथड में कैसे निकालेंगे, पहले 2 और 4 को आपस में मल्टीपल करा लिए 2 × 4, और ये रूल है किसी भी 2 डिजिट नंबर का यदि स्क्वायर वैल्यू निकालना है तो उस नंबर के डिजिट को आपस में मल्टीपल करा करके 2 से मल्टीपल करा दें, या 2 अपने से जोड़ना है, 2 × 4 तो मेरा 24 नंबर में 2 और 4 मेरा डिजिट है, तो 2 × 4 × 2 टोटल मल्टीपल वैल्यू कितना हो जाएगा 16, टोटल मल्टीपल वैल्यू 16। अब इसके बाद देखते हैं 2 का स्क्वायर कराएंगे तो क्या आएगा 04, 4 का स्क्वायर कराएंगे तो क्या आएगा 16। अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा कि 04 और 16 में यह जो हमारा टोटल मल्टीपल वैल्यू है यहां ई डिजिट को छोड़ करके ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 6, 7 और 5, देखिए तो इजी वे में हम निकाल लिए 24 का स्क्वायर 576। इसमें किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर निकालना होगा तो हम इजी वे में निकाल लेंगे, जैसे मान लीजिए 7 एग्जांपल आपको दे रहे हैं, 74 का स्क्वायर निकालना है तो उसको हम कम समय में कैसे निकालेंगे, 7 × 4 × 2, इसका टोटल मल्टीपल वैल्यू कितना हो गया 56। अब हमको क्या करना है, इसको स्क्वायर कराना है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब क्या करना है कि 56 को यहां पे ऐड कर देना है, ठीक, एक डिजिट छोड़ करके 56 को ऐड किए 6, यह इसका स्क्वायर वैल्यू हो गया। इस तरीके से 2 डिजिट वाले नंबर का हम कितना भी नंबर क्यों ना हो 2 डिजिट में कोई भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल रूल अप्लाइड होता है हमारे डिजिट पे, स्क्वायर निकालने के लिए कुछ स्पेशल रूल स्पेशल डिजिट के लिए बना, जैसे मान लीजिए कि वंस कोई भी एक नंबर एक ही डिजिट से रिपीटेशन करके बना हो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, जैसे छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं 111, इसका स्क्वायर निकालना है आपको 111, इसका स्क्वायर निकालना है तो पहले हम काउंट कर लेंगे कि मेरा 1 कितना है, 1, 2, 3 क्या है, इसको डिजिट में लिख देंगे 1, 2, 3, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 2, 1, क्या हमने बोला कि 111 से रिपीट करके एक नंबर बना जिसका स्क्वायर निकालना है, तो हम 3 × 1 था तो 1, 2, 3 लिख दिए और उसके बाद 2, 1, 3 के पीछे और संख्या क्या है 2 और 1 है, 2 और 1 लिख दिए, तो इस नंबर का स्क्वायर ये है, तो इससे रिलेटेड कोई भी संख्या बन सकती है, 1 ही नहीं, मान लीजिए 1 इतना हो गया, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो 1 कितना है काउंट करने को 1, 2, 3, 4, 5,
फाइव कौन है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव मिनट किया, उसके बाद क्या लिखेंगे, फोर थ्री टू वन, ठीक है। अब यदि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वन ही वन के टू टू से भी रिपीट करके आया होगा, इसका भी यदि स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए, तो टू इंटू वन 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 वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे टू का स्क्वायर हो गया इंटू वन वन फोर है, वन टू थ्री फोर, थ्री टू वन। अब क्या करेंगे, टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर इंटू वन टू थ्री फोर, थ्री टू वन, इसमें मल्टीपल करा देंगे, जो वैल्यू आएगा इस नंबर का स्क्वायर। इस तरीका से हम इजी वे में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेते हैं। यदि कोई नंबर फाइव से एंड करता है, तो उसके लिए हम कैसे इजी वे में उसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल 25 को ही लेते हैं, 25 को ही लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर यदि निकालना हो तो हमारा एंडिंग किससे कर रहा है, 5 से, तो हमको 5 का स्क्वायर मालूम है ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। इसके बाद हमारा रिमेनिंग डिजिट बचा 2, तो 2 से एक बड़े नंबर लेंगे, तो 2 से एक बड़ा नंबर क्या होगा 3, और दोनों को मल्टीपल करा के लिख देंगे, तो हमारा इजी वे में इसका स्क्वायर